अंग्रेजी, अंग्रेजी में आज हम करेंगे यूज ऑफ दिस और दैट। इसके प्रयोग मैंने आपको समझाया था कि दिस का प्रयोग कहां होता है और दैट का प्रयोग कहां होता है, तो वापस देख लीजिए एक बार। दिस, दिस का अर्थ होता है यह, क्या होता है यह, और यह निकटतम वस्तुओं के लिए किया जाता है, निकटतम वस्तुओं के लिए किया जाता है, यानी दिस का अर्थ होता है यह जो हमारे पास में जो वस्तुएं हैं उसको बताने के लिए दिस का प्रयोग होता है। और phkt दैट, दैट मीन्स होता है वह, और यह दैट क्या करता है, दूर स्थित वस्तुओं के लिए किया जाता है, दूर स्थित वस्तुओं के लिए किया जाता है। देखिए मैंने छह वाक्य लिखे हैं और उन छह वाक्यों के सामने क्या बनाए हैं, कुछ चित्र बनाए हैं। आप इन चित्रों को देखकर दिस और दैट का प्रयोग करना है। तो यहां देखिए एक प्रिंट क्या करती है, यहां लिखा है दिस इज ए ट्री, दिस इज ए ट्री यानी एक पेड़ है, एक पेड़ है। अब यहां पर दिस आएगा या दैट आएगा, यह पेड़ बोलेंगे या वह पेड़ बोलेंगे, वो उसकी आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। अब कैसे, अब देखिए चित्र मैंने एक पास में बनाया हुआ है, चित्र क्या बनाया है मैंने वाक्य के पास में, और पास या निकट को बताने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं, इसका करते हैं दिस का। तो यहां हम लिखेंगे THIS दिस, तो क्या बना, दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है क्योंकि पास में, तो दिस का प्रयोग, दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। फिर सेंटेंस नंबर दो, अब देख खाली स्थान पड़ा है मैंने यहां पे, इज ए काइट, काइट मींस क्या होती है, पतंग, एक पतंग है। अब एक पतंग है, पास में है दूर में, देखिए आप कि पतंग का के जो मैंने चित्र बनाया, ये देखिए मैंने वाक्य से भूत थोड़ा दूर बनाया, क्या बनाया है, दूर, और दूर स्थित वस्तुओं को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, इसका करते हैं दैट का, और दैट का क्या होता है, वह। तो क्या सेंटेंस बना, जैसे पहले मैंने लिखा है यहां पे दैट, THAT, दैट इज ए काइट, वह एक पतंग है, क्या है, दैट इज ए काइट, वह एक पतंग है। तो आप समझ गए होंगे कि निकट पास की वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग, दूर की वस्तुओं के लिए दैट का प्रयोग। फिर तीसरा सेंटेंस है, देखिए फूल बनाया छोटा सा यहां पे, और दिस इज ए, सॉरी इज ए फ्लावर। अब ये फूल कहां है, वाक्य के पास में बनाया हुआ है, तो पास के लिए किसका प्रयोग होगा, दिस का प्रयोग होगा। हमने कहा THIS दिस इज ए फ्लावर, यह एक फूल है। फिर सेंटेंस चार नंबर, इज ए पेंसिल, एक पेंसिल है। अब पेंसिल देखिए हमारे वाक्य से क्या बनेंगे, दूर, और दूर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, दैट का प्रयोग। तो THAT दैट इज ए पेंसिल, वह एक पेंसिल है। फिर सेंटेंस ये मैंने पुस्तक की आकृति बनाई है, किताब की, किसकी बनाई है, किताब की, इज ए बुक, एक किताब है। अब किताब कहां बनी है, मैंने वाक्य के पास में, कहां बनाई है, वाक्य के पास में, तो पास की वस्तु बताने के लिए किसका प्रयोग, दिस का प्रयोग, किसका, दिस का, THIS दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। और अंतिम में देखिए इज ए टॉय, TOY मीन्स क्या होता है, खिलौना, क्या होता है, खिलौना। और खिलौने की जो चित्र है मैंने वाक्य से क्या बनाया है, दूर बनाया है, तो दूर की वस्तु के लिए इसका प्रयोग, दैट का प्रयोग। तो THAT
टी दैट इज ए टॉय। ये छह वाक्य हमने किए, इसमें हमने दिस और दैट का प्रयोग किया। अब आप समझ गए होंगे कि दिस